कलेक्शन और आप लोग को पता है कि ईद भी आने वाली है और आप लोग सभी लोग जो अपनी ईद की तैयारी भी कर रहे होंगे, इस वजह से मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत ही जबरदस्त सा ब्लॉग बनाया जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बहुत खूबसूरत एथनिक के ड्रेसेस दिखाने। तो जी पे टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं जल्दी से अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग तो गाइस आज का ब्लॉग बहुत 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 ज़बरदस्त है क्योंकि आज मैंने आप लोगों को दिखानी है मोस्ट डिमांडिंग मोस्ट जो ट्रेंडिंग कलेक्शन है ना वो है सिर्फ एथनिक की, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब जो ईद के ऊपर ड्रेसेस होते हैं वो सिर्फ एथनिक के ही होते हैं, बाकी ब्रांड्स को उसने बहुत पीछे छोड़ दिया क्योंकि इसकी रेडी टू वेयर कलेक्शन बहुत अच्छी होती है और जो है वर्सेटैलिटी भी होती है, जैसे कि पैंट्स के साथ काफ़ी कुछ ये लोग करते हैं गरारा टाइप इस तरह की चीज़ें बना के, जैसे कि बेल बॉटम हो गया, बूट कट्स हो गए, तो फिर लोग जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली जो लड़कियाँ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और वो इसलिए कि थोड़ा सा जो इनका स्टाइल डिफरेंट होता है क्योंकि वैसे यूजुअली तो हम लोग यही देखते हैं ना कि बस ट्राउजर हो गया, स्ट्रेट शर्ट हो गई या शॉर्ट शर्ट हो गई, बेल बॉटम हो गया इस तरह से, लेकिन जो एथनिक की कलेक्शन है उसके अंदर आप लोगों को बहुत जबरदस्त जबरदस्त किस्म के डिजाइन मिलते हैं। लाइक आप लोगों को फ्रॉक्स मिलते हैं जो अनारकली पता नहीं क्या क्या उसमें जो होती हैं, जो कुर्ता स्टाइल फ्रॉक्स होते हैं डिफरेंट, उनके नीचे बेल बॉटम्स होते हैं, बूट कट्स बहुत ही जबरदस्त इनका कट होता है और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन होती है। कलर्स तो वैसे ही बहुत प्यारे होते हैं। अभी आप लोगों के सामने जो मैंने आप लोगों के सामने जो आज ये व्लॉग बनाया इसके अंदर मैंने आप लोगों को हाई डिमांडिंग जो कि आर्टिकल्स थे मोस्ट हॉट किस्म के वो मैंने सारे आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, ताकि जो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा एथनिक के जो स्टोर का रिव्यू कराऊंगी ताकि आप लोगों को पता हो कि एथनिक जो है इस बार क्या सेल कर रहा है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट ईद के ऊपर तो मैं ऐसे इंस्टाग्राम को स्क्रोल करी थी, तो मैंने देखा पूरा मेरा इंस्टाग्राम एथनिक के ड्रेसेस से भरा हुआ था। उससे पिछली ईद उससे जो पिछली ईद थी तब भी जो है पूरा एथनिक ही एथनिक था हर तरफ, जिसका एक ग्रीन कलर का आर्टिकल होगा आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा अगर आप लोगों को याद है, वो भी इस तरह से था कि शॉर्ट शर्ट थी और उसके नीचे जो गरारा टाइप था, बेसिकली हम लोग उसको गरारा नहीं कह सकते क्योंकि वो दो लेग्स वाला वाइड एक पैंट होता है बहुत ही खुला सा जो वाइड ट्राउजर होता है उस तरह से था, तो वो वाली चीज़ थी शॉर्ट शर्ट। उसके बाद इन्होंने ना काफ़ी चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी बनाई, जैसे कि जो शिफॉन के अंदर इन्होंने बहुत ही कलेक्शन ज़बरदस्ती बनाई, अभी भी उसके ऊपर जो एक आर्टिकल वो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, इवन मैंने जो है हर किसी को देखा कि उसने वही ड्रेस पहना और बहुत ज़्यादा प्यार। और अभी जो मैं आप लोगों को कलेक्शन दिखा रही हूँ ना ये भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इनकी डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त होती, कलर स्कीम भी बहुत प्यारी होती, एम्ब्रॉयडरीज भी बहुत प्यारी होती, नेक आप लोगों के सामने के बिल्कुल राउंड नेक रखते हैं ये लोग, लेकिन जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही ट्रेंडी और कैची से होते हैं। और अगर कुर्ता ले लें जस्ट तो उसके साथ जो कोई भी दुपट्टे के साथ उसको पेयर अप किया जा सकता है, विद स्ट्रेट पैंट्स भी इनको पहन सकते हैं क्योंकि इनकी हैवी लुक है कुर्ते की। और ये वाली जो मैं आप लोगों को कलेक्शन दिखा रही हूँ पूरी ईद कलेक्शन है क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि बस ईद इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो बस ईद के लिए जो इन्होंने न्यू कलेक्शन लॉन्च की जिसके अंदर सिल्क वाला फैब्रिक भी यूज़ किया हुआ है, उसके अलावा जो कॉट सेट्स हैं वो भी बड़े क्यूट से इन्होंने बनाए, जो थोड़े डिफरेंट होते हैं हटके होते हैं क्योंकि एथनिक जो है मैं मानती हूँ कि कॉट सेट्स जो क्रिएशन की है ना वो एथनिक नहीं की है, जब से इसने बनाना शुरू किया तो फिर सभी ब्रांड्स ने उसको देखते हुए सारे कॉट सेट्स बनाना शुरू कर दिए। लाइक आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत ही खूबसूरत से जो फ्लोरल प्रिंट्स होते हैं वो सारे एथनिक ही लेकर आया, उसके अलावा बाकी सभी ब्रांड्स ने उसको देखते हुए शुरू कर दिया। अभी जो मैं आप लोगों को एथनिक की ये दिखा रही हूँ उसमें आप लोग इसकी पैंट्स देखें, इनकी शर्ट्स देखें, इतनी खूबसूरत खूबसूरत शर्ट्स हैं, अभी भी आप लोगों को शायद ये उस तरह से समझ में नहीं आ रही कि जब आप लोग स्टोर में जाएंगे देन आप लोगों को जो मेरा ये ब्लॉग है ज़रूर आप लोगों को याद रहेगा, दिमाग में रहेगा, और उसके बाद जब आप लोग वहाँ पे पूरे स्टोर को एक्सप्लोर करेंगे तो तब आप लोगों की सारी चीज़ें बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो इसीलिए मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों को बेस्ट कलेक्शन दिखाना इसमें जो इतने खूबसूरत खूबसूरत से पीसेज हैं, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पीछे ब्लैक दिखाया उसका जो गला है उसके ऊपर ऑर्गेन्जा लगा हुआ है ज़िगज़ैग की शेप में, तो वो कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब अगर हम लोग जो है थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड रखते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी करना चाहते हैं अपने ड्रेसेस के ऊपर, थोड़ी सी उसके अंदर ब्यूटी को इन्हांस करना चाहते हैं, देन हम लोग के सारे आइडियाज़ जो अपने ड्रेसेस के ऊपर भी यूज़ जैसे कि टेलर हमसे अक्सर मांगता है कि आप हमें सैम्पल्स दिखाएं, तो टेलर को हम समझाते हैं कि आपने ऐसे 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 करके हमारे डिज़ाइन बनाने हैं, तो वो हमें कहते हैं कि आप लोग हमें सैम्पल्स दिखाएं। तो सैम्पल्स के लिए जो मैं आप लोगों को ये ड्रेसेस दिखा रही हूँ ये बहुत ही अमेजिंग है, इसके अंदर इन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा अपने ड्रेसेस में ऐड की, जैसे कि वी नेक बनाकर और ऊपर से जो है नेक के ऊपर ऑर्गेन्जा लगाकर, तो मतलब वो शर्ट की जो लुक है बहुत ही रॉयल हो जाती है और बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। थोड़ा सा ये कि आप उसको कैजुअली नहीं पहन सकते, लेकिन पहनने वाले पहन भी
नहीं देते, क्योंकि अब हम लोग जैसे सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन आप लोगों को पता है कहीं भी हमने अगर होटलिंग करने जाना है, किसी के घर जाना है, तो वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती। ऑब्वियसली को पता है कि सारे जो है वो ACs वगैरह ऑन ही होते हैं, तो जहाँ पर अगर हम लोग जा रहे होते हैं अपने मतलब लग्जरी या बहुत ही अच्छे कपड़े पहनकर, अब आप लोगों ने देखा जो उस पर डमी पर लगे हुए ना, ये इनकी है बुटीक कलेक्शन। बुटीक कलेक्शन जो इनकी थोड़ी लग्जरी में आ जाती है, जैसे कि पार्टी वेयर के अंदर आ जाती है, क्योंकि वो अगर कोई ओकेजन है, जैसे ईद पे भी लोग ना बुटीक कलेक्शन की ही ड्रेसेस देते हैं। लेकिन अब जो है कुछ लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि थोड़ी हल्की एम्ब्रॉयडरीज हो, हल्का मतलब फैब्रिक भी थोड़ा लाइट सा हो, कोई शिफॉन वगैरह ना हो, कि जो मतलब हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती है। आप लोग को बताया जैसे न्यूली वेडिंग जिनकी हुई भी होती है, तो उनके लिए थोड़ा सा वो चाह रहे होते हैं थोड़ा सा फॉर्मल टच होना चाहिए। तो इस तरह से ना मतलब हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस है। जैसे मैं तो सोचूंगी कि थोड़ा सा जो खूबसूरत भी हो उसका कट, और जो स्टाइलिश भी हो, उसकी एम्ब्रॉयडरीज भी प्यारी हो, फैब्रिक भी बहुत अच्छा हो, कि ऐसा फैब्रिक जो आपको इरिटेट ना करे। तो इसीलिए मेरा पर्पस था आज का आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने का, क्योंकि इसके अंदर मैं एक तो आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन दिखा रही हूँ, कलर स्कीम भी बहुत बहुत ज़्यादा प्यारी है, और इनका जो कट है, डिज़ाइन है, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि ये पहनने के बाद आप लोगों को पता है कि फाइनल लुक क्या होती है, तो तब जब पहन के बंदा तैयार होता है देन इनकी जो लुक है वो बहुत ही अमेजिंग होती है। थोड़ी सी इनकी प्राइसेज जो है हाई होती है, क्योंकि इनकी जो है क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से ये लोग चीज़ भी आपको थोड़ी सी यूनिक दे रहे हैं। बाकी ब्रांड्स भी आप लोगों ने देखा है, खाड़ी अब मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टिपिकल हो गया, मतलब बिल्कुल नॉर्मल टाइप का हो गया। जैसे कि अगर हम ईद पे बोलेंगे पहन, तो जो है खाड़ी का मतलब एक होती है टिपिकल चीज़ जिससे पता चलता है कि ये ड्रेस बिल्कुल खाड़ी का ही है। तो एथनिक के कपड़े इस तरह से होते हैं कि इसके थोड़े से हटके होते हैं, थोड़ी सी वर्सटैलिटी होती है उसमें, क्रिएशन इनकी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें वो बहुत सी चीज़ें ऐड करते हैं। तो वो ड्रेसेस जो है बाद में बनने के बाद उनका टर्न आउट बहुत ही ज़बरदस्त होता है, फिर पहनने के बाद और भी ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन आप लोगों को बताना चाहिए कि जब ये एथनिक सेल भी लगाता है, तो भी इनकी ड्रेसेस जो स्टार्टिंग प्राइस होती है सेल में भी 7,000, 6,000, 8,000, तो ये इनकी जो है प्राइस रेंज होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये लोग आप लोगों को एक तो क्वालिटी भी देंगे और बेस्ट चीज़ होगी। अभी आप लोग ये वाला ड्रेस देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, जिसके ऊपर ऑफ वाइट के ऊपर कलरफुल से ये प्रिंट्स हुए हुए, और इसका कॉर्ड सेट कितना ज़बरदस्त है। क्योंकि कुछ ऐसे ड्रेसेस होते हैं ना जो कि बहुत ही एलिगेंट लगते हैं, कुछ होते हैं कि जस्ट नॉर्मल से होते हैं, तो इस तरह से इनके जो ड्रेसेस हैं आपको बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगेंगे। तो जी गाइज, मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ वो वाली ड्रेसेस जो मैंने आप लोग को अभी बताया पीछे के, जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग थे और इस बार ईद में भी बहुत ज़्यादा पसंद किए। उनमें से एक ये वाला ड्रेस है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में था और बहुत ही प्यारा भी है। इसके साथ शॉर्ट शर्ट है और नीचे जो है बेल बॉटम और उसके अंदर शलवार है, तो आप लोग ये वाला भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। और ये सारे जो एथनिक के ड्रेसेज हैं जो कि बहुत ही मोस्ट डिमांडिंग, और अभी मैंने आप लोग को जस्ट ऐसे कुछ 1, 2, 3, 4 दिखाए हैं, लेकिन जो है इनकी अगर आप लोग को एंटायर कलेक्शन दिखाऊंगी आफ्टर वेयरिंग पिक्चर्स, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कितने स्टाइलिश लगते हैं और उतने ही ट्रेंडी लगते हैं। तो गाइस, मैंने ये जो है आज के ब्लॉग में आप लोगों को सारे खूबसूरत से ड्रेसेस दिखाए एथनिक के, तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।